इस मोमेंट पे अगर आपका सब कुछ छीन लिया जाए तो आप किस चीज से फिर शुरुआत करो, और आपके पास फोटोग्राफी का ऑप्शन ना हो तो आप क्या चुनोगे? अनलिमिटेड चीजें हैं जो की जा सकती है आज की डेट में, तो सब कुछ करना इतना आसान है। डिजिटल मार्केटिंग इज देयर, मैंने पहले भी अपने एक सेशन में बोला है। डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा और उसके थ्रू ऑनलाइन अगर मेरे को मार्केटिंग करनी आ गई, प्लस मेरे को सेल्स के बेसिक्स फंडे समझ आ गए, तो उसके बाद मैं किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी सर्विस को भेज दो और पैसा कमा लो। उसमें क्या है, देखो लोगों को क्या जरूरत है वो उनको दो और वहां से पैसा कमाओ, उसमें क्या है। नहीं तो लोग हिल जाते हैं अगर उनका मतलब कुछ भी जो स्टेबल बिजनेस हो या फिर जॉब हो अगर वो चला जाए तो हालत खराब हो जाती है लोगों का, तो मिल जाता है तो भी हिल जाते हैं और चला जाता है तो भी हिल जाते हैं, लोग दोनों तरह से ज्यादातर हिल जाते हैं। आपका भी ऑब्जर्व करना, जॉब मिल भी जाती है ना तो आपको क्या लग रहा है, किसी को जॉब मिल जाती है जो उसको चाहिए थी तो बड़े खुश हो जाते हैं, कुछ दिन बड़े खुश होते हैं जब वो एक कैबिन मिलता है, वो टेबल मिलती है, चेयर मिलती है, तब बड़े खुश होते हैं, कुछ दिन बाद रो रहे होते हैं बैठे बैठे कि इस कंपनी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तब भी वो तो वहां भी हिले हुए हैं। तो मिलता है तब भी हिलते हैं, नहीं मिलता है तब भी हिल जाते हैं, शादी होती है तब भी हिल जाते हैं, नहीं होती तब भी हिल जाते हैं। एनी हाउ, अभी आपका कोई बकेट लिस्ट है मतलब लाइफ में क्या क्या और क्या करना है, इसका आपने कोई बकेट लिस्ट बनाया अपना? मैं पूछूंगी नहीं क्या क्या है, बट आप क्या ऐसा कुछ करते हो कि आपका बकेट लिस्ट हो या फिर नहीं, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। तो आपका इंस्टेंट मतलब मेरा मैक्सिमम जो भी प्लान भी होता है ना, सो कॉल्ड प्लान, कि जहां तक मेरे माइंड में कोई प्लान चल रहा होता है, पास्ट तो है ही नहीं, देयर इज नो पास्ट, मतलब रिकॉल करूंगा तो हाँ इट्स देयर, ऐसा नहीं है कि मेमोरी चली गई है, इट्स देयर बट आई डोंट लिव इन द पास्ट। फ्यूचर की अगर आप बात करो तो मैक्सिमम एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन, मैक्सिमम एक हफ्ता, बस वहां तक मुझे पता है, उसके आगे कुछ पूछोगे तो कुछ वही नहीं, कुछ नथिंग। आप अपना रूल्स बनाते हो कि आप ये करने वाले हो, जैसे आप सुबह उठने का रूटीन है या कुछ भी है, वो अगर आपके किसी अपने के वजह से टूट रहे तो क्या आप तोड़ने दोगे या फिर नहीं आप स्टिक रहोगे कि नहीं मुझे करना ही है? नहीं, मैं स्टिक रहता हूँ, स्टिक रहता हूँ, और जो अपने होते हैं उनको भी समझाया जा सकता है, अपने का मतलब यही है, अगर कोई समझे ही ना तो फिर वो अपना ही क्या हुआ, आप समझे तो वो तो बन जाता है ना, रूटीन बन जाता है कि तुम भी जियो मुझे भी जीने दो। नेक्स्ट है आपके लिए, आप एक मिनट, आप जर्नलिस्ट हो गया कोई, आप मतलब इतने इतने सवालों का पिटारा भाई, तीन चार रह गए बस फिर खत्म। अगर ये आपका लास्ट सेशन होता, वैसे जूते चप्पल पड़ेंगे अगर ये कोई सुनेगा तो, अगर ये आपका लास्ट सेशन होता तो आप क्या बात करते, मतलब आप क्या बोलना चाहते? वही जो अभी करी, वही जो अभी करी और क्या करता, हाँ वही जो हमेशा करता हूँ। और अगर आपका ये लास्ट डे होता, ऊपर और क्या बात करूंगा? हाँ? और अगर आपका ये लास्ट डे होता, भगवान करे ना हो, बट अगर आपका ये लास्ट डे होता तो क्या आप नॉर्मली रहते या फिर आप मतलब बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहा होता जैसे अभी आपसे कर रहा हूँ? अब इससे ऊपर और क्या बोलूंगा, लाइफ इज लव, अब इससे ऊपर और क्या बोल सकता हूँ, लास्ट डे भी होगा तो। मतलब मेरा क्वेश्चन ये कि आप एंशियस तो नहीं होगे ना कि मतलब आज मैं लास्ट डे क्यों करो सेशन? ना 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 ना, एंशियस क्यों होना? नहीं 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 नहीं, ठीक है, लास्ट डे कभी ना कभी तो होना ही है ना, कभी ना कभी तो होना ही है, अब मुझे थोड़ी पता है वो आज है, कल है, परसों है, कब है, कभी भी हो सकता है। अगर आपको पता तो रोज ऐसे ही जियो ना, ठीक है, क्लियर हो गया। आपका जो क्वेश्चन है ना ये वाला, इसमें एक डर है छुपा हुआ है, इसमें एक डर छुपा हुआ है डेथ को लेकर के। इफ यू आर लिविंग विद डेथ, मतलब हर मोमेंट में आप मर रहे हो तभी आप एक्चुअल में जिंदा हो। डेथ को जिस दिन हमने बारीकी से समझ लिया ना, तो डेथ का कोई डर नहीं होता है, देन वी आर वन विद डेथ, because death is not different from life, death is life, matlab integration and disintegration, disintegration ko hum death bolte hain, disintegration of this body, right, and integration ko hum life bolte hain, to ye integration aur disintegration alag alag nahi hai, ye ek sath chalta rehta hai, har moment mein chalta hai, isi moment mein main paida bhi ho raha hu, mar bhi raha hu, to maut ke bare mein kya sochna hai, why do we have to think about it? एक क्वेश्चन है, जब आप सोते हो तो क्या इस एक्साइटमेंट में सोते हो कि कल क्या करना है, या फिर इस एक्साइटमेंट में कि आज सरेंडर, आज जो हुआ बहुत बढ़िया हो, आप खत्म, ऐसे एक्साइटमेंट वर्ड को हटा दो, क्योंकि अभी आपने एक और वर्ड यूज किया सरेंडर, तो आई जस्ट सरेंडर, जहां पर सरेंडर होता है वहां पर एक्साइटमेंट थोड़ी ना होता है, ना एक्साइटमेंट होता है, ना डिप्रेशन होता है, ना क्रेविंग होती है, ना एवर्जन होता है, सरेंडर होता है, सरेंडर कर दिया ना।
आप एक लास्ट क्वेश्चन, आप क्या पूरे दिन पॉजिटिव रहते हो या फिर आप भी डल होते? नहीं बिल्कुल होता हूँ, डल होता हूँ, लेजी भी होता हूँ और हाँ और क्या, आप क्या समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी मूड खराब भी होता है, थॉट हर तरह के आते हैं, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एट द लेवल ऑफ बॉडी एंड एट द लेवल ऑफ माइंड आप में और मुझ में या किसी भी इंसान में कोई फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर ऑफ एनी काइंड। बिल्कुल जैसे आपके दिमाग में सब चलता रहता है, मेरे भी चलता रहता है, सब कुछ होता रहता है, बस नजर थोड़ी सी अलग है। नज़र मतलब कि अगर मैं किसी पार्क में बैठा हुआ हूँ देख रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं देखता कि मैं देख रहा हूँ, वो सब मुझ में ही है, बस ये होता है। क्लियर हो गया। अब मेरे पास दो पर्सनल क्वेश्चन। अरे नहीं अब हो गया, बस बहुत है। अच्छा चलिए जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों से मिलके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है जी, ओके जी, मोस्ट वेलकम जी।